और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज टनकपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक सभा को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील की। सीएम ने कहा कि मां शारदा के आशीर्वाद से मुझे चंपावत की देवतुल्य जनता की सेवा का सौभाग्य मिला है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के टनकपुर में पहुंचे, जहां उन्होंने शारदा घाट में पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। बता दें कि सीएम धामी यहां से उपचुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और लोगों से जन समर्थन की अपील की। सीएम धामी ने 31 मई को होने वाले चुनावों में लोगों से ज्यादा मतदान करने की भी अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास के काम चल रहे हैं। टनकपुर में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि शारदा नदी के किनारे इस कार्यक्रम का होना शुभ संकेत है। शारदा माँ के आशीर्वाद से मुझे चंपावत की देवतुल्य जनता की सेवा का सौभाग्य मिला है। मैं इस उपचुनाव में अपनी अहम भूमिका निभा रहे कर्मठ कार्यकर्ताओं और सम्मानित पार्टी पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ। सीएम धामी ने इसके बाद मनिहार गोठ क्षेत्र में भी एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि उन्होंने यहाँ पर बचपन में कई दिन बिताए हैं। वो चाहते हैं कि क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिले, इसलिए सरकार द्वारा काम कराया जा रहा है ताकि लोगों को यहीं पर रोजगार के अवसर मिल सके। बता दें कि इससे पहले भी सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने पैतृक गांव अड़खौला पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने इष्ट देव की पूजा की थी। चंपावत उपचुनाव के लिए 31 मई को मतदान होगा और इसके नतीजे 4 जून को आएंगे। कांग्रेस की तरफ से निर्मला गहतोड़ी को प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस ने भी इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।